जिस उत्तर प्रदेश की सड़कों को योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था, वहां बारिश की वजह से सड़क में गड्ढे ने तालाब का रूप ले लिया है। तस्वीरें गाजियाबाद के वसुंधरा की हैं, जहां वार्तालोक सोसाइटी के बाहर की सड़क अचानक से धस गई और बारिश का पानी झरने की तरह गड्ढों में जगह बनाने की कोशिश करने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पिछले काफी समय से यहाँ चल रही है, ये जो सोसाइटी बता रहे बन रही थी, पांच साल से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर प्रशासन जो है उसने कोई एक्शन नहीं लिया और आज स्थिति ये आ गई कि जो रोड्स हैं वो धस गई, 25-25 फीट गहरे गड्ढे हो गए जिसमें। और सबसे बड़ी बात, एक गनीमत ये रही कि स्कूल बसेज निकली हैं सुबह, क्योंकि आज वर्किंग डे था, तो ऐसे में अगर थोड़े बहुत भी टाइम इधर उधर होता तो हो सकता था बड़ा हादसा हो जाता है। जैसे जैसे बारिश का पानी बढ़ रहा था, गड्ढे का दायरा भी बढ़ता जा रहा था, जिसने सोसाइटी में घुसपैठ शुरू कर दी। देखिए कैसे सोसाइटी की दीवार के नीचे तक जमीन धस गई है। महंगी कॉलोनी होने के बावजूद सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, पानी की जरा सी भी निकासी नहीं है, जरा सी बरसात हो जाए तो वाटर लीकिंग का सिस्टम खराब हो जाता है। पीछे बैक साइड वाली रोड तो है ना, ऑलरेडी 3 या 4 बार धस चुकी है अंदर, और कई बार गवर्नमेंट को कंप्लेन भी करी गई, पर प्रिलिमिनरी एक्शंस लेके उसको डिनाई कर दिया गया। इसकी परसों भी डीएम साहब से शिकायत करी गई थी, परसों भी आश्वासन है, सिर्फ आश्वासन है, पिछले 5 साल से आश्वासन है। आपके जनसुनवाई पोर्टल पे कंप्लेन भी डाली हुई है कई बार, उसपे भी कोई एक्शन नहीं होता, मुख्यमंत्री के सारे पोर्टल फेल है यहाँ पे। कुछ दिन पहले ही बिल्डिंग गिरने से हिले गाजियाबाद में इन तस्वीरों के आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे और वार्तालोक सोसाइटी के एक टावर को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। चिराग गोठी, गाजियाबाद।